अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी पर किसकी पूजा होती है? अनंत चतुर्दशी का व्रत क्यों रखते हैं? अनंत चतुर्दशी क्यों है इतना खास? इसका महत्व क्या है? अनंत चतुर्दशी का मतलब क्या है? अनंत चतुर्दशी के पीछे की कहानी क्या है? इन सब सवालों का जवाब आज मैं लाई हूँ। हे एवरीवन, माय सेल्फ वर्षा कुशवाहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, शेयर चैट, स्नैपचैट, एक्सप्लोजर, मोज, जोश, हैशटैग ऑल टैलेंट विजय हो में आपका स्वागत है। आज ये मैं वीडियो स्पेशली भक्ति लवर्स के लिए लाई हूँ। भक्ति लवर्स, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी अनंत चतुर्दशी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी पर किसकी पूजा होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस दिन अनंत सूत्र बांधने का बड़ा महत्व है। अनंत चतुर्दशी का व्रत क्यों रखते हैं? अनंत चतुर्दशी अनंत या भगवान विष्णु के अनंत रूप को समर्पित है। भगवान विष्णु के भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और पूजा के दौरान पवित्र धागे बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र धागा भक्तों को हर तरह के संकट से बचाता है। अनंत चतुर्दशी पूजा विधि और व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के 14 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि इस दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अनंत चतुर्दशी सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा ही महत्व है। तो अब ये भी हम जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी क्यों है खास, क्या है इसका महत्व। अनंत चतुर्दशी की खासियत के पीछे एक रोचक कहानी है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए यह पर्व खास माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है, साथ ही 14 गांठ वाला सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत क्यों मनाया जाता है, ये भी हम जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। अनंत चतुर्दशी को चौदस के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा और व्रत करने से साधक को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी का मतलब क्या है। सनातन धर्म में भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का काफ़ी महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा के साथ साथ श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। इस त्यौहार को अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस भी कहते हैं। अनंत का अर्थ है जिसके ना आदि का पता है और ना ही अंत का। अनंत चतुर्दशी के पीछे की कहानी क्या है? अनंत चतुर्दशी की खासियत के पीछे एक रोचक कहानी है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए यह पर्व खास माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है, साथ ही 14 गांठ वाला सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी के पीछे की कहानी भी अब हम सुन लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम अनंत चतुर्दशी की कहानी। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। ये मंडप देखने में जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे।
एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिमयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडल्य ऋषि के साथ कर विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरा के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरा को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरों की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो ये थी अनंत चतुर्दशी के पीछे की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अगर आपको मेरा ये जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, मौज मस्ती करते रहे, हेल्दी रहे।
ये वीडियो देखने के बाद अनंत भगवान का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे और आप सभी की इच्छाओं को पूरा करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी अनंत पूजा।